खबर। विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। वित्त लेख 2018 से 19 और विनियोग लेख पर सदन में आज ध्यान आकर्षण रहेगा। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर आज सवाल जवाब होंगे। अवैध शराब बिक्री पर भी ध्यान आकर्षण होगा। कोरोना काल में शिक्षा प्रभावित होने पर भी ध्यान आकर्षण रहेगा। सरकार आज सदन पर 11 विधेयकों को लाएगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। वित्त लेख 2018 से 19 और विनियोग लेख पर सदन में ध्यान आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही रेत के अवैध उत्खनन को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। सरकार आज सदन पर 11 विधेयकों को लाएगी। ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं कि आज सदन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। अब तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल जवाब किए। आज अंतिम दिन, आज क्या कुछ खास रहेगा? किस तरीके से आज विपक्ष अपनी बातों को रखेगा और सत्ता पक्ष आज क्या कुछ सदन में लाएगी? बिल्कुल करिश्मा, आज सदन का अंतिम दिन यहाँ पर है और कल नोकझोंक के बाद आज ये अंतिम दिन भी कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर लाए जाएंगे। चाहे शराब की अवैध बिक्री की बात हो, कोरोना काल में शिक्षा नीति की बात हो, या बस संचालकों की भाड़ा जो समस्या है उसको लेकर बात कर ली जाए, बिलासपुर में निकट की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको विपक्ष आज लाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। नकली कीटनाशकों को लेकर भी ध्यान आकर्षण यहाँ पर किया जाएगा, उनकी कालाबाजारी को लेकर भी ध्यान आकर्षण यहाँ पर लाया जाएगा। उसके अलावा रेत खनन की बात कर ली जाए, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, ध्यान आकर्षण उस पर लाया जाएगा। कुल मिलाकर ये जो सवाल है इस पर निश्चित रूप से आज सदन में हंगामा होना तय है। तो इन हंगामों के बीच में सरकार आज 11 विधेयकों को भी पेश करने की कोशिश करेगी। उनमें से अगर प्रमुख बात कर ली जाए तो सबसे प्रमुख है जो जनप्रतिनिधियों का, विधानसभा के सदस्यों का यात्रा भत्ता पेंशन विधेयक है, संशोधन विधेयक, वो बड़ा अहम है जिसको लेकर काफी हो हंगामा भी यहाँ पर मचा था। और जनप्रतिनिधियों के कोरोना काल में क्यों ये तमाम चीजें बढ़ाई जा रही है इसको लेकर भी हल्ला मचा था। उसके अलावा बस भाड़ा अधिनियम है वो लेकर राज्य परिवहन मंत्री लेकर आएंगे। उसके अलावा और भी कई छोटे छोटे विधेयक हैं, जैसे अशासकीय फीस विनियामक आयोग है जो एक बड़ा अहम है, जिसकी मांग लगातार की जाती रही थी। प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस विनियामक आयोग की मांग जो की जा रही थी वो आज विधेयक एक लेकर आया जाएगा। ये बहुत अहम है छत्तीसगढ़ में, इसकी मांग लंबे समय से थी। उसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक है, ये आज यहाँ पर लेकर आएंगे। कुल 11 विधेयक हैं जिसे सरकार आज लाएगी और कोशिश करेगी कि आज ये पास करा ले, क्योंकि अंतिम दिन है। उसके अलावा सवाल जवाब तो होंगे ही और निश्चित रूप से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। खासतौर पर शराब, अवैध शराब और नकली कीटनाशकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष की पूरी कोशिश होगी। विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाता रहा है, हालांकि सरकार की अपनी तैयारियां हैं और पिछले दो दिन जो नोकझोंक हुई है उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि अंतिम दिन भी जोरदार हंगामा आज होगा। हालांकि कई काम के विधेयक भी हैं जो पास होंगे। चलिए, तो आज भी गर्माहट और नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सवाल होंगे। इसके साथ ही जैसा कि न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल बता रहे थे कि कई महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको लेकर आज चर्चा होगी। सरकार सदन में 11 विधेयकों को लाए। वहीं खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां आज प्रदेश युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। जेई नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, परीक्षाएं रद्द करने की मांग। केंद्रीय सरकारी दफ्तरों के सामने कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में केंद्रीय कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन होगा। तो स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में जेई और नीट की परीक्षा ना हो और इसका समर्थन अब कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। सभी जिलों में केंद्रीय कार्यालयों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो वेक अप एजुकेशन मिनिस्ट्री, आप देख रहे हैं कि ऐसे बोर्ड्स और होर्डिंग्स लेकर ये स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले। नीट जी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन सभी जिलों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर किया जाएगा। नीट जी यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो परीक्षाएं हैं उसकी कुछ छात्र तैयारी कर रहे हैं। शिक्षाविद और अभिभावक कोरोना महामारी का हवाला देते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने इस अगले महीने ही कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन देते हुए आज आंदोलन करने जा रही है।
तो इससे पहले हमने देखा कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी के नेतृत्व में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर किया कि इस परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जब केसेस कम थे तो पूरी जगह लॉकडाउन लगा दिया गया था, अब केसेस बहुत ज्यादा हैं तो उसके बाद 50 लाख जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो जेईई नीट के एग्जाम देंगे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से फैलेगा। तो वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना और सरकार की तरफ से ये रुख, और 150 शिक्षक ऐसे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उसमें ये मेंशन किया गया कि अगर ये परीक्षाएं नहीं होती है तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की। बीजेपी ने सरकारी नौकरी रोजगार की स्थिति पर सवाल उठाए। धमतरी के हरदेव सिंह की मौत को लेकर भी बीजेपी हमलावर दिखी। उधर जनता कांग्रेस ने खाली सरकारी पदों पर नियुक्तियों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने महामारी में प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की सरकार की कोशिश को सिलसिलेवार तरीके से सदन में रखा। जो धमतरी का 27 साल का युवा है, मुख्यमंत्री निवास के सामने मुख्यमंत्री से मिलने आए, कोई कर्मचारी अधिकारी भी नहीं मिले, और इस बात से दुखित होकर द्रवित होकर के उन्होंने पेट्रोल डाल करके आत्मदाह का प्रयास किया। ये सरकार का असली चेहरा उजागर हो रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को लेकर के इतने रोजगार के विज्ञापन जारी हुए, लेकिन ज्ञापन जारी होने के बाद में, परीक्षाएं होने के बाद भी किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है। आखिर यहाँ के युवा मानसिक विकार और अवसाद में आने के कारण में जो आत्महत्या कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए ठीक सूचक नहीं है। लोगों को किस प्रकार से आज अवसाद में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार छिन गया है, व्यवसाय बंद हो गया है, कहीं रोजी रोटी मिल नहीं रही है। यदि छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया था, चाहे मनरेगा माध्यम से 25 लाख परिवार तक हमने रोजगार पहुंचाने का काम किया, 19 लाख लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित किया, 12-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहते हैं आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं उसको लघु वन उपज खरीद के उसकी जेब में पैसा डालने का काम किया, और उसी कारण से अध्यक्ष महोदय हमारे व्यापार और व्यवसाय चला रहे। अध्यक्ष महोदय व्यवसाय चला, उद्योग के पहिए भी चले। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के 48 ऐसे संघ हैं जिन्होंने हमसे मांग की है कि या तो उनकी नौकरियां लग गई हैं उसका आदेश नहीं हो रहा है, या नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं, या भर्तियां रोक दी गई हैं, या चयन की प्रक्रिया रोक दी गई है, तो सारे बेरोजगार उद्वेलित हैं और ये सरकार न तो उन्हें 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं और न ही उन्हें सरकार में जो खाली पद हैं जिन पर नियुक्ति देकर के उन्हें रोजगार देने का रास्ता बना सकते थे वो भी दे रहे हैं, तो ये बेरोजगारों के संग अन्याय है। पहले 15 दिन में हम 1,65,00,000 रुपए पेमेंट किए, दूसरे 15 दिन में 4,50,00,000 रुपए पेमेंट किया। अध्यक्ष महोदय, और जो एवरेज है प्रति व्यक्ति, आप तो 2 एकड़ के किसान को 500 रुपए दे रहे हैं, तो गोबर जो इकट्ठा कर रहा प्रति व्यक्ति वो भी 800 रुपया, उस गरीब आदमी का 800, उसमें भी 71% लोग हैं जो लैंडलेस लोग हैं, गरीब लोगों की योजना है। अध्यक्ष महोदय, वहीं छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ण की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की वर्चुअल बैठक में जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति तुरंत देना चाहिए। यदि केंद्र आर्थिक रूप से इसमें असक्षम है तो उसे ऋण लेना चाहिए, ना कि इसका बोझ राज्यों पर डालना चाहिए। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र को वो वादा भी याद दिलाया जिसमें केंद्र ने राज्य को यह आश्वासन दिया है कि जीएसटी आने पर यदि किसी राज्य को कर वसूली में कोई नुकसान होता है तो उसको केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति देगी। वहीं केंद्र की निजीकरण की नीतियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में
नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र के निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए कहा। साथ ही इसे सार्वजनिक उद्यम रहने पर आदिवासियों को फायदा मिलने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे लिखा कि केंद्र के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों को गहरा धक्का लगेगा। आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे हैं, उनमें असंतोष की भावना पनप रही है। वहीं बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी इसे लेकर आमने सामने है। राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका पर दोनों ही दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और इधर एयरपोर्ट के आधे अधूरे काम के कारण नियमित हवाई सेवा शुरू होने में अभी भी लोगों को संशय बना हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर श्रेय लेने की राजनीति गर्माने लगी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिलासपुर से भोपाल के बीच हवाई सेवा संचालन की अनुमति देने के बाद कांग्रेस बीजेपी इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका पर दोनों दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दरअसल बिलासपुर से महानगरों के लिए नियमित हवाई सेवा की मांग कई साल से उठ रही थी और जैसे ही इसका आदेश आया तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव इसे केंद्र सरकार के प्रयासों का नतीजा बताते हुए बीजेपी सरकार को श्रेय दे रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस की हमेशा ये आदत रही है, जब भी इस तरह के काम होते हैं वो श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कांग्रेस को कुछ करने की नीयत होती तो ये काम बहुत पहले हो गया होता। और आज श्रेय लेने का प्रयास न करें, हर कामों में कांग्रेस की यही नीति होती है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है तो श्रेय लेने चले आते हैं, और कहीं पर कमी होती है तो उसका दोष दूसरों पर मढ़ने की ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है। इसे सत्ताधारी दल कांग्रेस अपने प्रयासों का नतीजा मानकर खुद श्रेय लेने में लगी है। पिछली सरकार ने 2C के हिसाब से काम किया था, हमारी सरकार आई तो जनता ने 3C की डिमांड करी। पहले 20 सीटर्स का था, अब 80 सीटर्स के लिए तैयारी की जा रही है। हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 27 करोड़ रुपए इसके लेकर दिया था और उसमें से काम काफी हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि दीपावली तक जो है वो हवाई सेवा बिलासपुर में प्रारंभ हो जाए। कांग्रेस के लोग हमारे जब सक्रिय हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, विधायक जी ने संज्ञान लिया और संघर्ष समिति के सारे लोग जब 150 दिन से ऊपर समय हो गया है अनारवत अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण अब विवश होकर केंद्र सरकार इस दिशा पर पहल कर रही है और शीघ्र ही हम इसमें हवाई सेवा की हमारी मांग जो अभी बिलासपुर भोपाल है, हम चाहते हैं कि इसमें दिल्ली बॉम्बे को भी जोड़ा जाए ताकि वास्तविक लाभ यहाँ क्षेत्रवासियों को मिल सके। एयरपोर्ट में अब भी कई काम अधूरे पड़े हैं जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। शहर के लोगों को अभी भी बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू होने को लेकर संशय है। ऐसे में जरूरत है नेताओं को श्रेय की राजनीति छोड़कर जनता की बहुप्रशिक्षित मांग पर फोकस करने की, ताकि दूसरे महानगरों के लिए भी नियमित सेवा का फायदा शहर की जनता को मिल सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को घेरते हुए उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और जिस पर कांग्रेस भी अब बीजेपी पर तंज कस रही है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद में जुट गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी में जो गुटबाजी थी वो दबी रही, लेकिन अब लगातार हार और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के बाद ये लड़ाई सतह पर आ गई है। कार्यकर्ता खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने की बात हो या श्रीचंद सुंदरानी की। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं। कार्यकर्ता की माने तो अभी भी एक गुट की चल रही है और बड़े नेताओं की गुटबाजी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। परिवार में भी कभी कभी किसी बात को लेकर लोगों में मतभेद हो जाता है, बाप बेटा में हो जाता है, पति पत्नी में भी हो जाता है, लेकिन वो परिवार नहीं तोड़ते हैं। तो उसी तरह से ये हम लोगों का घर का मामला है और थोड़ी बहुत रहती है क्षणिक, वो सब दूर हो गए। फोन पर तो दिए हैं लेकिन मुलाकात करके भी उनको समझाइश देंगे और वो समझ गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने कांग्रेस को भी बैठे बिठाए चुटकी लेने का मौका दे दिया।
और कांग्रेस भी अब बीजेपी की इस सिर फुटबल पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में 15 में सिमट के रह गई और भारतीय जनता पार्टी का अंतर कला जो उनकी अंदरूनी लड़ाई है वो सामने निकल कर आ रही है। या पहले उनके संगठन की बात कर लें, जिला अध्यक्ष उनको बनाने वो बन नहीं पा रहे हैं, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, उसके बाद वरिष्ठ नेता आपस में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने घर को सुधार लें, अपने कार्यकर्ता अपने प्रतिनिधियों को जन अपने प्रतिनिधियों को संभाल लें, उसके बाद दूसरे के विषय में बात करें। बीजेपी संगठन लगातार कार्यकर्ताओं को मना लेने की बात कह रहा है, लेकिन चुनाव हारने के करीब 2 साल के बाद भी कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं और खुलकर बगावत कर रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो या फिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, ऐसे में बीजेपी की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक बिलासपुर पहुंची। यहां पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर नायक ने बताया कि वह मुंगेली लोरमी दौरे पर थी, जहां महिलाओं के साथ बैठकर उन्होंने महिला अपराध को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तत्कालीन आईजी पवन देव के खिलाफ 2 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 1 शिकायत मुंगेली और दूसरी रायपुर से है। आयोग की अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पवन देव कानून का गलत तरीके से सहारा लेकर वर्तमान में पद पर काबिज हैं, जबकि उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की अनुशंसा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हिरासत में 550 से ज्यादा पेंडिंग मामले मिले हैं, जिनका इस तेजी से निराकरण करने का काम आयोग कर रहा है। देखिए, हमारे पास तो सीधा है, हम दोनों पार्टी को बुलाते हैं। अभी तक जो हो रहा है दोनों पार्टी से हम सामने सामने 1-to-1 बात कर लेते हैं। अब चूंकि जिनमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, केसेस हैं, तो अब उस मामले में थोड़ा सा हमको 1-to-1 भी अलग से बात करनी पड़ेगी, फिर जॉइंटली हम बात करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्शन देते हैं। मैं तो अभी पेंडिंग नहीं रख रही हूँ केसेस, नए मामलों को ही डिस्पोजल में पहले कर रही हूँ, क्योंकि पुराने को लेंगी तो नए मामले फिर पीछे होते जाएंगे, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग फिर डिमोरलाइज होंगे कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता। वहीं जशपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार को गिरफ्तार किया। तहसीलदार कमलेश गिरी ने जशपुर निवासी अनुज गुप्ता से नामांतरण के लिए 3 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से की। टीम ने गुप्ता को केमिकल लगा 50,000 रुपए पहली किश्त के रूप में देने के लिए कहा। जब तहसीलदार इसे गिन रहे थे तभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दायर कर जाँच शुरू कर दी। तहसीलदार साहब मुझे बुला के 3 लाख रुपए का डिमांड किया, तो मैं बोला सर नामांतरण में 3 लाख रुपए उचित नहीं है। फिर भी वो इतना दबाव डालने लगे कि 2.5 लाख रुपए में मुझे करना पड़ा सौदा कि 2.5 लाख में करूँगा। लेकिन ये दिमाग में मैं बैठा लिया था कि पैसे इतना है नहीं। मैं SEBI को फिर संपर्क किया, उनके माध्यम से आज पहला किस्त 50,000 रुपये दे के मैंने SEBI से रेट करवाया। यही है मामला। आवेदक ने इस आशय का शिकायत SEBI अंबिकापुर में किया था कि उनके जमीन के नामांतरण और ऋण पुस्तिका को बनाने के लिए यहाँ के तहसीलदार आरोपी तहसीलदार उनसे 3 लाख रुपए घूस की मांग कर रहे हैं। हमने अपने स्तर पर आरोपों का सत्यापन कराया। जब आरोप ये साबित हो गया कि एक लोक सेवक अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अवैध धनराशि की मांग कर रहा है, तो उस पर से आज ट्रैप दल का गठन करते हुए हमने आज ट्रैप की कार्रवाई की है। वहीं बस्तर पुलिस अब नक्सल संगठन से जुड़े सभी नक्सलियों की थाने वार्ड लिस्ट तैयार कर रही है और उसकी शुरुआत दंतेवाड़ा जिले से की गई है। दंतेवाड़ा में 526 नक्सलियों की लिस्ट तैयार की गई और इस लिस्ट को सभी थानों और गांवों में चस्पा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में जिसका भी नाम है और अगर उसने नक्सलियों के साथ छोड़ दिया है तो वो पुलिस से संपर्क कर नाम कटवा सकते हैं। बता दें कि पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने पर पुलिस पर लगातार निर्दोष ग्रामीणों की हत्या और गिरफ्तारी का आरोप लग रहा था, जिसे देखते हुए पुलिस ने यह लिस्ट तैयार की है। अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया है जिसने ये क्लेम किया हो कि उसकी सूची में नाम है और वो नक्सली संगठन से कहीं ना कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी कोई भी इनामी नक्सली या प्रोफाइल में इनका भी नाम है, यदि उसे लगता है कि वो नक्सली संगठन में नहीं है तो आके वो आवेदन SP ऑफिस में दे सकता है, उसकी जाँच कराई जाएगी। यदि उसके नाम के आगे कोई भी अपराध है या अपराध में लिप्त पाया जाता है, वारंट है, तब उसे सरेंडर करा के पुनर्वास नीति से छूट मिलेगी। यदि उसका अपराध में नाम नहीं है और वो खुद को संगठन से जुड़ा हुआ नहीं कहता है तो उसका नाम आवेदन के आधार पर जांच के बाद नाम प्रोफाइल से काट दिया जाए।
वहीं बढ़ते आगे, खबर अब रायपुर से मिल रही है जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर, चांपा में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद में भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है और ये कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं। रायपुर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले जहां पर तेज बारिश हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो इसकी चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कुछ जिले बताए हैं जहां पे बारिश हो सकती है और कुछ जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है, जिसमें से रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद शामिल है जहां पे भारी बारिश हो सकती है। वहीं रायगढ़ में लगातार हो रही बरसात से जहां नदी नाले उफान पर है तो वहीं शहर के निचले मोहल्लों में पानी भर गया है। शहर की सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं। केलो नदी का जलस्तर बढ़ने पर डैम के 4 गेट खोल दिए गए, जिससे नदी के तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है। दर्जन भर मकान भी बारिश की वजह से ढह गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने SDM और नगर आयुक्त के साथ जल भराव वाले मोहल्लों का जायजा लिया और राहत कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। आज काफी बारिश हो रही है रायगढ़ शहर में और जो लो लाइंग एरिया जहाँ पर है, जो ट्रेडिशनली हर बार बारिश में प्रभावित होते हैं, आज कुछ प्रभावित हुए हैं। जैसे अभी ये हम छातामुड़ा में हैं, आए थे छातामुड़ा में थे, अभी यहाँ पर आए हैं। तो बेसिकली हम गाड़ी मंगवा रहे हैं, कुछ लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर भी एक नाला के कारण फंस गए हैं कुछ लोग, तो उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक दीवार जो है शायद टूट गई थी, उसके कारण जो है पानी यहाँ भर गया है, तो उसको दोबारा बनवाया जाएगा, अभी लोगों से डिस्कस हुआ। फिलहाल हमने बोला है यहाँ पर सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर देंगे, खाना भी सबके लिए बनाएंगे और बाकी जगह भी निरीक्षण कर रहे हैं।